ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। सो वी हैव सॉ इंट्रोडक्शन टू शिवानंद लहरी एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट फोर वर्सेस ऑफ शिवानंद लहरी। फर्स्ट थ्री वर्सेस भगवान शंकराचार्य जी ऑफर्ड हिज सैल्यूटेशंस टू बोथ पार्वती एंड परमेश्वर, right? And then in fourth shloka he says there are so many gods in the universe, so many powers, you can invoke anyone for any result. But Shankaracharya says, even in dream, I don't want to think about them nor follow them. Why? They are kshudra paladaha. They bestow, havas kam kar dijiye. They bestow temporary results. Low type of results they bestow. Right? So I wanted what? That your lotus feet, which is most difficult even to attain by Hari and Brahma and Indra Devatas, all Devatas. I beg that opportunity, that place to be at your feet always. O Parameshwara, please grant me. आवाज कम कर दीजिए, बहुत आवाज कम कर दीजिए मास्टर। हरिओम हरिओम। हाँ, स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ। पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्येश्व चतुरः। कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते।
पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। स्मृतौ शास्त्रे वैद्येशे कुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्येश्व चतुरः कथं राज्ञां प्रीतेर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। ब्यूटिफुल वर्स। शंकराचार्य सेज नाउ सी इन दिस लाइफ टू लिव लाइफ what we need normally we need some skill to live life we need some skill so that I'll be considered as a worthy person in the eyes of an employer or in the eyes of the king the local king will feel oh this person has lot of skills he is worthy So therefore, he can be called and give an employment. So what kind of skill you must have to live life, to get some kind of recognition in the eyes of the king? Raja ke sammukh hona, raja ke vah paas jaake, raja ke drushti mein padna, taki ye kuch layak hai. To Bhagwan Shankaracharya ji kehte hain, मुझ में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आई ही नहीं। देखिएगा वे कहते हैं, देखिए श्रुतौ शास्त्रे स्मृतौ माने इन स्मृति ग्रंथास मनुस्मृति याज्ञवल्क स्मृति और एनी अदर स्मृति ग्रंथास आर देयर उसमें स्मृति ग्रंथों में इन स्मृति ग्रंथास प्लस शास्त्र अनेक प्रकार के शास्त्र है व्याकरण शास्त्र है वेदांत शास्त्र है सो मनी शास्त्र सर देर प्लस वैद्य आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन द मेडिसिन ऑल्सो विद्या वैद्य संबंध ज्ञान में आई एम नॉट ए वैद्य आई डोंट हैव एनी मेडिसिनल नॉलेज ऑल्सो फिर शकुन शास्त्र यू नो द ओमेन्स यू कैन सी क्या क्या हो रहा है परिस्थितियों को पढ़कर तो अर्जुन कहते हैं ना बैड ओमेन्स आई एम सीइंग एवरीवेयर तो यहाँ पे आई डोंट हैव दैट नॉलेज ऑल्सो शकुन शास्त्रे प्लस कविता में मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं कविता भी कवि भी नहीं हूँ और फणिता माने गान में संगीतम इत्यादि कविता फणिता पुराणे पुराण ज्ञान भी मुझे नहीं है फिर मंत्रे वा मंत्रशास्त्र में कौन सा मंत्र पढ़ने से क्या क्या फल मिलता है किस देवता की उपासना करने से कौन सा फल मिलता है इस तरह का मंत्रशास्त्र का ज्ञान भी मेरे पास नहीं है प्लस पुराणों में भी मंत्रे वा मंत्रशास्त्रे पुराणे स्तुति आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू कंपोज वेरियस स्तोत्रास और आई डोंट हैव एनी मेमोरी पावर टू रिमेंबर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्तोत्रास नटन आई एम नॉट एन एक्टर देखो मेरे पास कोई कला नहीं देखिए तो मुझमें कोई ऐसी कला नहीं है जिसके द्वारा मैं राजा का प्रीति बन सकूं देखिए नटन भी नहीं है हास्येशु आई एम नॉट ए कॉमेडियन ऑल्सो कोई ना कोई कला होनी चाहिए ना जीवन जीने के लिए बताइए सारे बहुत बता रहे देखिए तो स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्येशु अचतुरः मैं चतुर नहीं हूँ अचतुरः
मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। अचतुरः, देखिए, आई हैव नो स्किल एट ऑल। मैं तो भाई मानता हूं मैं अपने आप को बिल्कुल मूर्ख हूं, बिल्कुल अज्ञानी हूं, मुझ में कैसे कोई कला नहीं है। वास्तव में देखे जाए, अब जिसमें जितना रिश्ते बताया, हम भी इसमें से कोई परफेक्ट है क्या? ना, कुछ भी नहीं इसमें। देखिए हमारी स्थिति कैसी है, ये बताओ कि हमको ये आता है, बताओ। बस शंकराचार्य जी कह रहे कि अचेतु रहा, आई डोंट हैव एनी स्किल इन देम। फिर कहते हैं देन कथम राज्ञाम प्रीतिर्भवति मई, राजा को मुझ में कैसी प्रीति होती है? हाउ कैन द राजा किंग लव मी, किंग डजेंट रेस्पेक्ट मी, डजेंट कंसिडर मी एज इट ऑल। मैं सिंपल मामूली सा आदमी हूँ, अज्ञानी हूँ। तो राजा माने कोई भी नौकरी देने वाला समझो, किसी के भी प्रीति नहीं लगती मुझ में। तो आपको पसंद कर रहा है वो गायक हो, भजन गाना है, भजन गाना तो बड़े ठीक है, बहुत भजन तो वैल्यू है, हमें कुछ है ही नहीं तो हमारी वैल्यू कहाँ से होता है। आई एम नॉट एन अकाउंटेंट ऑल्सो, आई एम नॉट ए कंप्यूटर मैन ऑल्सो, आई एम नॉट ए डिजाइनर ऑल्सो, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ऑल्सो, कोई भी मुझे कुछ है नहीं। फिर मैं कथम राज्ञाम प्रीतिर्भवति मई, और को हम, मैं कौन हूँ फिर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, को हम। हे पशुपते माम पशुम, एक्चुअली मैं कौन हूँ, मैं पशु हूँ। माम पशुम हे पशुपते, हो पशुपति वो लॉर्ड शिवा, मैं तो एक पशु हूँ। मैं पशु का मतलब क्या है मैंने बता देना कल, जो आत्मज्ञान जिसके पास नहीं है, यानी तो वन हू टू बी लेड, अविवेकी पशुम, पशु को जो मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए, पशुपति होना चाहिए, तभी पशु निकलते हैं ना, शेपर्ड। इसलिए क्राइस्ट वॉज कॉल्ड अ शेपर्ड, भगवान कृष्ण ऑल्सो यूज टू लीड गोकुल, गोपाल, गोपाल। गो माने इंद्रियाज, एक्चुअली गो माने सेंसेस। तो कोहम पशुपते माम पशुम हे सर्वज्ञ हे पशुपते, ओ भगवान सर्वज्ञ, तू तो सर्वज्ञ है पशुपते। प्रथिता हे प्रथिता, प्रथ मैंने आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वेदों में आप ही का ही गुणगान किया गया है, सारे वेदों में आपका ही गुणगान किया है, तो आप यू आर वेरी पॉपुलर इन वेद, वेरी प्रथित, पॉपुलर इन ऑल वेदास, आर वन हु कैन बी नोन ओनली थ्रू वेदास, मीनिंग वेद ज्ञान के द्वारा ही आपका ज्ञान और आपकी महत्ता को हम समझ में, हमको समझ में आ सकता है, तो आ सकती है, तो समझ आ सकती है। कृपया अपालय विभो, आप दया करके मेरी रक्षा करो, मेरे पालन करो, ए विभो, ए विभो माने ओ सर्वांतर्यामी, अब मुझ में कुछ भी नहीं है। सो माने इसका मतलब क्या है, टोटल सरेंडर, अपने आप को भगवान के, भगवान शंकराचार्य के, मैं अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा जो जाएगा भगवान के पास उनको तुरंत दर्शन मिल जाता है। इसलिए एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक मंत्र दिया, वो मंत्र क्या क्या है मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, नाहम अस्मि, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं है, मैं कुछ नहीं हूँ मैं क्या है, उसमें मैं बाकी है, ये मैं कुछ नहीं वो गलत है। तो मैं कुछ नहीं हूँ माने कुछ है, मैं कुछ ना कुछ है, तो आप है। देखिए, तो मैं कुछ नहीं हूँ मैं है, मैं मुझ में कुछ है, फिर कुछ नहीं है माने कुछ है, तो मैं ही नहीं हूं, आप ही है, ना हम अस्मि। देखिए, हाँ बस हम खाली है, तभी वेणु ना, वेणु बसता है ना, तो वेणु के अंदर कुछ भी है ही नहीं है, इसलिए बेम्बू में
खाली पड़ा है ना, तभी भगवान के पास रह गया। तो इसीलिए वेरी ब्यूटिफुल थिंग, ये पशुपते पालय कृपया विथ कंपैशन, मेरी रक्षा करे, मेरे पालन करे, माने आई डोंट नीड टू गेन एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू रीच यू। तो गीता पढ़ो क्या, शास्त्र पढ़ो क्या, प्रस्थान्तर पढ़ा क्या, व्याकरण पढ़ा क्या, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं आपके शरण में आया हूं और आप ही मेरे रक्षा करें। सो द वन हु क्लेम्स दैट ही इज नॉलेजेबल इज ए बिग लोड ऑन इज हेड। पहले से ही जो बोल देता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, माने आई एम नॉट देयर, सब आप ही है, मैं नहीं हूं, आप ही है, इट्स द बेस्ट थिंग। सो भगवान शंकराचार्य जी के सेज, आई डोंट हैव एनी स्किल, हाउ कैन एनी बडी लव्स मी, हाउ कैन एनी बडी एक्सेप्ट मी, बट सिंस आई डोंट हैव एनी थिंग देन आई एम क्वालिफाइड टू रीच यूर फीट। एक ब्यूटिफुल स्टोरी बताता हूँ आपको, स्टोरी माने एक अच्छी, एक जेन मास्टर मोनेस्ट्री में इज टीचिंग स्टूडेंट्स। अचानक एक स्टूडेंट हेल्ड द हैंड ऑफ अदर स्टूडेंट एंड लिफ्टेड हिज हैंड अप। उसके हाथ में क्या था, पर्स है, पैसा का पर्स, चोरी किया इनके पॉकेट से। मास्टर I have been telling you that is a thief. He doesn't deserve to stay in monastery. You never believed. Today I caught him red-handed. See, he was trying to steal my purse. My purse is in his hand. Seize it. So please throw him out of the monastery. He need not stay here. Master said, you all leave the monastery, he will be here, because he needs me, you don't need me. He has a weakness, no? So he needs me, not you. You can be independent, get out. देखिए हम क्या सोचते हैं, हमें वी हैव सो मेनी फॉल्ट्स इन मी, आई एम एलिजिबल, बिकॉज वी हैव फॉल्ट्स इन अस एंड वी डोंट हैव एनीथिंग इन अवर नॉलेज। अभी तो हमने लिस्ट बताया, देखिए डू हैव एनीथिंग नॉलेज इन दिस, स्मृतौ शास्त्रे वैद्य शकुन कविता गान फनितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्येषु अचतुरः, आई एम अचतुरः इन ऑल दिस थिंग्स। So that's why I am qualified to be at your feet. The Zen master said, no, you are, he needs me, others don't need me. A beautiful story, beautiful stroke, isn't it? Now, next one. Ghato va mrutpindo pyanurapicha dhumo gnirachalaha. घटो वा मृत्पिण्डोऽपि अणुरपि च धूमोऽग्नि अचलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनम् वृथा कंटक्षोभम वहसि तरसा तर्कवचसा पदां भोजं शंभोर्भज।
परम सौख्यम व्रज सुधीहि घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यनुरपि च धूमोऽग्निरचलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनम् वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधीः. अब नाउ इन दिस श्लोका सुधीहि, सुधी मीन्स ओ माय गुड इंटेलेक्ट, सुदबुद्धि सुबुद्धि इज एड्रेसिंग सुधीहि ओ माय इंटेलेक्ट व्रज गो एंड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा इंस्टेड ऑफ व्हाट. एंड यू नो इन वेदांत इन अवर तर्कशास्त्र सो मच ऑफ लॉजिक इज टॉक्ड अबाउट. सो शंकराचार्य इज टॉकिंग दैट उसमें क्या है घटो वा मृत्पिंडो अपि रणुरपि च धू अनि फर्स्ट वन है जैसे वन वन लॉजिक इज व्हाट वहां पे इज देयर ए पॉट और ए मड देन दे से इट इज नॉट ए पॉट इट इज ए मड ओनली बट वेयर इज अ पॉट इट इज योर इमेजिनेशन यू आर कॉलिंग इट एज ए पॉट एक्चुअली इट इज ए मड इट टू टैक्सिंग नो to intellect. You see a pot, you don't see a pot. Where is the pot? It's in your mind. Vacharambhanam vikaro namadhaya murtuketyava satyam. Where is the pot in your speech? Does pot call himself as pot? So you are calling it as a pot. Actually, what is it? Mud only. So mud in a particular shape, you call it as a pot. And go inquire into it. What is mud? Again go. So many shastras we speak about. Then they say, no, no, anu, everything is kana, the shastra. Everything is made up of kana only, anus only. Mud also is not true. Made up of anus. So this tarka shastra will begin. Enquiry into what is this, what is that, what is that. So Shankaracharya says, ghatova mrutpindo api anurapi. अदरवाइज धूमोग्निरचल यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिनी नया शास्त्र वेर वेर एवर देर इज अ बिग बिग एनालिसिस माई आई टेल यू दिस काइंड ऑफ एन एनालिसिस यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट यू गेट अननेसरी हीटेड अ ब्रेन सो मच ऑफ एनालिसिस बट देर इज अ स्मोक राइजिंग ऑन द माउंटेन सो वेर एवर देर इज स्मोक देर मस्ट बी अ फायर सो कार्य कारण संबंध इन्फरेंस अनुमान प्रमाण प्रमाण शास्त्र लाइक दैट यू अप्लाई द प्रमाण शास्त्र एंड सो मेनी थिंग्स एंड देन आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रूविंग दिस एंड दैट एंड अल्टीमेट कंक्लूजन सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन शास्त्रस. ओके भूमोग्नि पटो वा तंतुर्वा अदरवाइज इट इज इट पटवा अतंतुर्वा Is it a cloth or a thread? Where is the cloth? It's only thread. Where is the thread? It is only cotton. See? So, tanturva. All these things. Kim ghora shamanam? What? Kim ghora shamanam? All these hair-splitting arguments of Nyaya, Shastra, logic and reasoning through scriptures, does they stop Yama from approaching you? Shankaracharya asks you, Kim ghora shamanam? Can they stop Yama from approaching you? Oh, you have studied Vyakarana, I will not come to you. You have studied Tarkashastra, I will not come to you. They can't stop. Whatever you study scriptures, they cannot stop Yama from coming to you. Kim ghora shamanam? Ghora shamanam. Ghora shamanam means Yama pariharati kim? Does it remove
the fear of Yama coming to you? You have dwelled, you have developed Shastra Jnana, this one, that one, logic. And you know, I'm telling you, we have so many Shastrakaras are there. They talk and talk and talk. That's okay, it's all good. But without devotion, without surrender, without humility, all this. But anyway, some people wanted, that's okay. But then Shankara is questioning. Are they stopping Yama from coming to you? What is Horashamanam Pariharatikim? Tarkavachasa means by arguments of Tarka, as I said above. Is it a mud or a pot or a mud or a cloth or a thread or even yatrayata dumhatatata vahinihi, all those things. Tarkavachasa, what? Dekhiye, vrutha kantakshobham vahasi. There is unnecessary kantakshobham. Anyway, it is pain on the throat by involving and engaging and arguments. Exertion, unnecessary ayasa prayasa. Someone had sent me some other Swami outside, somewhere. He had forwarded some other Swami's very, very intellectual analysis of some states, of three states. Very, very. He said, this person, Mahatma, is speaking from different dimension altogether. So I heard it very patiently. About 10-15 minutes ka video tha. I kept quiet. I did not comment. The Swamiji asked me, what's your call on this? Did you hear? I told him a very simple thing. This analysis is not going to help me in my sadhana. Full stop. This is not required for my sadhana. Aapko required zarur pada padho soch le. But mere liye, ye mere sadhana ke liye kaam nahi aayegi nahi. That information is irrelevant to me. To me, because I don't have interest in that. Aapko yadi ruchi lagti hai to ruchi pa, you continue. But that much analysis, kantakshobham, you are giving extra pain, stress, strain to your throat, effort to your throat by arguing. और एक बार बताता हूँ मैं आपको. इफ शास्त्र, ऑफकोर्स शास्त्रास आर लॉजिकल, दे आर वेरी डीप, नो डाउट अबाउट इट, एंड ऑल आर नॉट फिट टू स्टडी शास्त्रास इन डेप्थ. ओके, इफ सच इम्पॉर्टेंट, आई मीन वैल्यूएबल, एंड देर आर द शास्त्रास चर्चा इट्सेल्फ, शंकराचार्य जी सेज इन केस ऑफ simple person devotion, this is all not required. Without the devotion towards Lord Shiva and gaining the self-realization, right? If that arguments also, Shastric arguments also are useless, then what to talk about our arguments in daily life we make with others to prove our point? How much time we waste energy to prove our point? देखिए इधर, हर चीज में झगड़ा. नो, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं करना, ऐसे ही मानता है, मैंने बोला ना ऐसे हुआ था. देखे, dirtiest things. अब नॉलेजेबल एरिया में भी शंकराचार्य says it is not going to help you. And worldly, cheap, third-rate arguments, are they useful? So I say, I've seen some great people, they only tell once.
चुप हो जाते हो। मानो या ना मानो, करो ना करो, दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट टू यू दैट यू शुड इम्प्लीमेंट इट, अदरवाइज देयर इज नथिंग। मैंने जो कहना था कह दिया, बस बाकी आपकी मर्जी। एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। हम क्या कहें, इवन इफ यू आर करेक्ट इन ऑन आर्ग्यूमेंट, यू विल नॉट कीप क्वाइट देयर, यू गो एंड पोक द अदर पर्सन। देखा मैंने सही, मेरा सही निकला नहीं, बताओ देखा है कि मैंने क्या कहा, देखा अब पता चला। वी रिमेंबर, वी रिमाइंड देम, पोक देम, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। सो भगवान शंकराचार्य जी सेज, वृथा कंटक्षोभम वहसी, अननेसेसरिली यू आर बेरिंग द लोड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन यूर कंठ throat in talking and arguing and proving your point and that point, this point, भैया ये सब वेस्ट है। तरसा क्विकली पदाम्भोजम शंभोर भज, डोंट वेस्ट यूर टाइम इन दिस, गो एंड क्विकली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड शिव एंड वर्शिप द फीट ऑफ लॉर्ड शिव, परम सौख्यम व्रज, go and get supreme peace, supreme joy, supreme happiness. What is that? Moksha samrajya. Go and get moksha, liberated. Braja means attain, go and attain supreme peace. Jaldi jao, bhagwan ke charan mein chale jao, ye sab jhanjhat mat padho. Sudhi hi, oh my dear, sudbuddhi, sab subuddhi, oh my dear intellect, भगवान के पास जाओ। इसमें क्या जगत हो पढ़ना, हाँ जिसको जो इच्छा है तो पढ़ लेते, मगर मैं तो कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं दुख रक्षति दुक्रुण करणे। तो यमराज आ गए ना यहां पे भी, वहां पे भी यमराज आ गए। संप्राप्ते काले, व्हेन टाइम एंड्स, Yama comes, who will rescue you? Your grammar rules help you. You have the same thought instantly. Why unnecessarily struggle? So next one. Manaste padabje nivasatu vachastotra phanitau. करश्चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ। तव ध्याने बुद्धिर्नयन युगलं मूर्ति विभवे। परग्रंथान कैर्वा परम शिव जाने परमतः। मनस्ते पादाभ्ये निवसतु वचस्तोत्र फणितौ, करश्चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ। तव ध्याने बुद्धे नयन युगलं मूर्ति विभवे। परग्रंथान कैर्वा परम शिव जाने परमतः। नौ से तो करना क्या है, डोंट गेट इन टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन थियरीज एंड देन एनालिसिस एंड एनालिटिक। बुद्धि पा, यू नो दिस बुद्धि, when you become so sharp, no, it should be so much associated with humility. The more knowledge you gain, more humble we must become. Vidya vinayena shobhate. Otherwise, what is the problem with knowledge is that there is a great danger. What is the great danger is ego. Ego.
ईगो ब्लोट्स. दैट इज अ ग्रेट डेंजर. सो वॉट इज हैपनिंग वेन यू गेन ट्रमेंडस नॉलेज एंड एनालिसिस एंड ऑल दैट एंड ऑटोमेटिकली बुद्धि यू नो पांडित्यम दोष दर्शनम. वंस पांडित्यम इज वॉट बिकम्स फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स. I tell you one thing, even if you are well expert in a particular dish, not on all dishes I am telling, not in all dishes nobody is expert, even one or two dishes you make perfectly and you are known by that dish, oh that lady makes very good this food item dish perfectly, you got the title in the colony among the relatives and friends. They certify, they award you, they praise you on telephone, and they post you the photos of your dish in Facebook and Instagram and Twitter, and you become popular. Your ego is enough. How much it will grow? And then, if you eat that dish made by anybody, you find faults in it. Useless, simple dish you mastered by mistake. How much ego we get, tell me. I have heard some people have extreme ego about their coffee skills. Coffee skills, coffee making skill. Some people are very egoistic about garnishing. Very egoistic. For everything itna ahankar aa jata hai. And we gain spiritual knowledge and shastra jnanam and this and that and bada jata ego. But say, great devotee said, I don't want this jnanam and all, I want Bhagwan. Bas itna jnan mil gaya, kya? There is somebody called creator who is taking care of everything. I am that, he is me, that's it, full stop. I don't want anything else. So nirantar jnan kya, nirantar prem kya, bas ho gaya. So Gurudev says, in devotion there is no fall. Why? You are already fallen at the feet of the Lord. Gurudev says, in devotion, in the path of devotion, in Bhakti Marga, there cannot be any fall. Why? You are already fallen on the feet of the Lord, on the ground, flat on the ground. Ab ka dikha giro ke batao, girne ka sambhav nahi. Jo upar ud jata hai na, usko girega. Wo hota hi nahi, pehle se surrender on the flat. तो भगवान शंकराचार्य से व्हाट इज टू बी डन बचने के लिए. मनस्ते पादाब्जे निवसतु, लेट माय माइंड रेस्ट ऑन योर लोटस फीट. मनः ते पादाब्जे, पादाब्जे निवसतु, लेट माय माइंड रेस्ट ऑन योर लोटस फीट. Think. Since compared to yesterday, we are nearing to death or not, but day one day nearer to death or not. And death, how it comes, we don't know. Somebody sitting in the train, I read the paper, somebody sitting in the train near the window, some iron pipe crashed the door, entered into his throat, instant death. ट्रेन में बैठा बेचारा, गाड़ी में जा रहे हैं, रुकी हुई गाड़ी थी. सम वर्क की सम एंड दे हैंडेड द डेड बॉडी टू रेलवे पुलिस. फ्रॉम वेयर कम द डेथ कम्स गॉड नोस. देयरफॉर शंकराचार्य सेज मनः ते पादाब्जे निवसतु,
लेट माई माइंड रेस्ट ऑन योर फीट. देन स्पीच वचस्थोत्र फणितौ. लेट माई स्पीच बी एंगेज्ड इन सिंगिंग योर ग्लोरीज, इन योर स्तुति, इन योर प्रेजेस. लेट माई स्पीच बी एंगेज्ड इन प्रेजिंग योर ग्लोरीज, स्तुति, स्तुतिगान. करश्चाभ्यर्चायाम, करश्च अभ्यर्चायाम, हैंड्स लेट देर बी इन्वॉल्व इन दाई वर्शिप. श्रुतिरपि कथा आकर्णन विधौ, ears let it be engaged in listening to your stories. Tavad dhyane buddhihi, let buddhi be engaged in your meditation, in thinking about you. Nayana yugalam murti vibhave, let both the eyes be enthralled by seeing the beauty of your form. Worship. Keep the beautiful altar. Bring that bhav. Let my eyes be blessed. So, what all are involved now? Mind involved. Speech is involved. Hands are involved. Ears are involved. Buddhi is involved. Eyes are involved. Think. All. Everything is involved. What? In worshipping. Kaya, vacha, manasa, buddhya, srutya, through ears, eyes. Everything is involved in your service. Then Shankaracharya says, paragrandhan kairva. Now, what is now? Actually this ataparam kairva, what is left for me, in which indriya is left now, baki, to engage in other activities. My eyes are involved, ears are involved, everything is involved, mind is involved, speech is involved, buddhi is involved. Now what is left with me to engage in other activities? Paragrandhan kairva, paramashiva jane paramataha. Even to note other things and to involve in other activities, what is the chance for me now? So there is no chance for me to engage in any other activities other than you or other than your related activities. Beautiful thing. Kairva grandhan, kairva paragrandhan. Paragrandhan means all other grandhas, textbooks, scriptures to study, to engage, to revel, to think. So with what kind of indriyas are left for me to study, to engage in other kinds of activities, when all of them are engaged already in your service? Think. So therefore, Krishna Bhagavad Shankara says, Kairva paragrandhan jane. How can I know other things other than you? Other than these things. When all my engagements, indriyas, sense organs are engaged in you, how can I know anything else? So all my indriyas are already engaged. So there is nothing. Therefore, Puja Gurudev used to say one simple thing. Keep your mind where your hands are. Mantra used to give everybody. Gurudev, anyone who used to ask Gurudev. I heard this from Puja Gurudev. When people ask him, Gurudev, please give some message. Gurudev giving this message, I heard from Gurudev not less than 20 times. Different occasions, different places. Keep your mind where your hands are. Keep your mind where your hands are. Integrity. You are not allowing the mind. And where your hands must be? Hands must be
on those activities which you are supposed to do. Dharma. Let the mind be there engaged. So therefore, Bhagavan Shankaracharya says, let the mind be, we'll chant once this beautiful verse. Manaste padabje nivasato vachastotra phanito karaschabhyarchayam srutirapi kadha karnana vidhau tavadhyane buddher nayana yugalam murti vibhave paragrandhan kairva paramashiva jane paramataha. You know, the most difficult thing to be simple. To be simple is the most difficult thing to achieve. And at one stage of our evolution, we give extreme value to only pure intellect at one stage. And after crossing that stage, then we'll understand. That's why, you know, I don't know in Hindi proverb is there or not. In Telugu proverb is there. What? When the pot is filled with water, it won't tilt or water won't move anything. Pura ghada kya bolta hai? Hindi mein kuch bolte hai. भरा हुआ घटा स्थिर रहता है तो आधा उछल पछल रहता है. क्या बोले? एक 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 ही बोले, एक ही बोले. क्या बोला? हाँ ठीक. देयर वन टाइप ऑफ इंटेलेक्ट उछलता रहता है. ओ ये ओ भू 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 पूरा भरने के बाद शांत. They understand that. So intellectualism is not the path. Somewhere we have to drop the intellect. So Gurudev gives example of pole vault. Pole vault example, because intellect cannot reach us, take us to Brahman. So what Gurudev is to give? Example of pole vault. The fellow runs with the pole vault. That sharp tip of that pole vault ka, he digs it in the earth, takes a support and rises up so high. And there's a net. When he crosses the net, he has to drop the pole vault this side. So Gurudev would say, intellect, you may use it to rise, to understand. What? That you can't understand Brahman. And you have to drop it. Otherwise, the whole life gets involved in arguments, discussions. So that is a very dangerous thing. Okay? Now, Bhagavan Shankaracharya says, यता बुद्धिशुक्तौ रजतमिति काचास्मणि मणि. जले पैष्ठे क्षीरं भवति मृगतृष्णा सुसलिलम्. तथा देवभ्रांत्या भजति भवदन्यं जडजनो. महादेवेशं त्वां मनसि चनमत्वा पशुपते. यता बुद्धिशुक्तौ रजतिमिति काचास्मनि मणि जले पैष्टे क्षीरं
भवति मृगतृष्णा सुसलिलम् तथा देव भ्रांत्या भजति भवत्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि जनमत्वा पशुपते. अगेन इस हियर इन दिस श्लोक जडजनो, जडजन मीन्स मूर्ख लोग, जड मीन्स नो इनसेंशियंट, बुद्धि में वेरी वेरी इग्नोरेंट पीपल. ए महादेवा हो पशुपते, ओ महादेवा ओ पशुपते, जडजन मूर्ख पर्सन ईशम त्वाम ईशम मनसि न मत्वा देहि. वे मूर्ख लोग ए पशुपते ए परमशिवा, मूर्ख लोग इग्नोरेंट पीपल डू नॉट कंसिडर यू एज द सुप्रीम ऑफ एवरीथिंग. महादेव ये महादेव पशुपते मूढ़जन ईशम, ईशम मीन्स ईशत्व मीन्स व्हाट लॉर्डशिप प्रभु, लॉर्डशिप ईशा मीन्स लॉर्डशिप. सो लॉर्डशिप दे डोंट नो, दे डोंट कंसिडर यू एज सुप्रीम लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग न मत्वा, विदाउट कंसिडरिंग यू एज सुप्रीम लॉर्ड, वॉट दे डू देन? दे कैन सरेंडर टू यू डायरेक्टली? नो. देन हाउ दे आर डूइंग? दे आर गोइंग टू अदर गॉड्स, दे आर वर्शिपिंग अदर गॉड्स. वाई? दे डोंट कंसिडर यू एज अ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम एवरीथिंग, लॉर्ड ऑफ द एंटायर क्रिएशन. दे डोंट कंसिडर यू एज सुप्रीम. देन वॉट दे डू? दे गो टू अदर गॉड्स, other worship. So many forces are there in nature, go and worship them, go and invoke them. Bhrantya, that is another bhranti. They go to other gods. Like how do they go god other gods? How is that their illusion? Worshipping other gods is comparing with whom? Yatha buddhi shuktau rajatamiti. In the buddhi, seeing a shell, you call it as a silver, is it not? In the water, shell is there. And buddhi sees its water as silver under the water. It's illusion or not? Mithya. Vedanta mein aata hai na, rajatam, shuktau rajatamiti. Then see. So you saw that in the shell, you see silver. Bhrantya. It's a delusion, it's an illusion. So, and the second thing is what? Rajatamiti. Kachasmani mani. See, you see the glass pieces as gems. Small broken glass pieces are there. Because sun is reflected, each one is shining, you call it as a gem. That was a bhranti only, isn't it? भ्रांति जले पैष्ठे क्षीरम भवति. एंड इन द वाटर यू मिक्स सम पाउडर, राइस पाउडर, वीट पाउडर, एंड स्टिर इट वेल, इट लुक्स लाइक ए मिल्क, इट लुक्स लाइक ए मिल्क फ्रॉम ए डिस्टेंस. मिक्स मैदा, मैदा मिला दो गर्म पानी में, स्टिर इट वेल, लुक्स लाइक ए मिल्क, इजंट इट? सम पाउडर, राइस पाउडर, मैदा, यू मिक्स इट, इट लुक्स लाइक ए पाउडर, मिल्क, सॉरी, इट्स मिल्क. एंड मृगतृष्णासु सलिलम, इन डेजर्ट यू सी वाटर्स, आर दे रियल? फोर एग्जाम्पल्स आर गिवन, सीइंग सिल्वर इन द शेल आउट ऑफ इल्यूजन, seeing gems in the broken pieces of glass is illusion. They are not shining. They are glasses, they are reflecting the light. Original sun is above. And see the water and mixture with some powder, milk, you are like. Then you see the water in the desert.
all happening illusion, you know. Similarly, it's an illusion to consider other gods as supreme and bestower of all kinds of happiness. It's an illusion. Under the spell of illusion, they go after them, leaving you, O Lord Shiva. Think. बहुत सारे गॉड्स है ना, हर एक एक व्हाट यू कॉल इच्छा के लिए एक एक भगवान है हमारे पास. संतान लक्ष्मी या गज लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, वो लक्ष्मी, बस करते जाओ. संतोषी माता, संतोषी माता व्रत करने के बाद दुखी हो गया वो, करता संतोष के लिए, संतोष तो नहीं मिला. थिंक. ऐसे ऐसे महात्मा लोग निकले इस पृथ्वी पे, माय गॉड आई कांट टेल यू देम, ग्रेट पीपल ऑफ देम. सो दे डोंट कंसिडर, बिकॉज एवरीथिंग भगवान श्री कृष्ण सेस नो इन 7th चैप्टर, देर आर सो मेनी पीपल हु वर्शिप डिफरेंट गॉड्स. कामैस्तैस्तै हृदज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्. सो कैरिड ओवर बाय रेस्पेक्ट कामैस्तैः हृतज्ञानाः, डिजायर्स, सो मेनी डिजायर्स यू एंटरटेन एंड द रियल नॉलेज इज हिडन. आसुरं भाम एंड तम तम नियम एंड टू अचीव यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया एंड टू अचीव वेरियस रिजल्ट तम तम नियम आस्ताय प्रकृतिया लेड बाय योर ओन प्रकृति, प्रकृति ऑफ डिजायर्स यू लेड एंड यू फॉलो द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर डेटी टू फुलफिल योर डिजायर्स. एक एक डेटी एक एक व्रत मांगती है कि नहीं आपसे? You want me to what you call propitiate me? You should follow these rules. Bhagavan, then what? Yo yo yam yam tanum bhaktaha. Tanum means form. Whichever devotee has whichever faith in whatever form of the devata, and he wants to worship that devata with shraddha. To acquire some results from that devata, Bhagavan Krishna said, this faith, shraddha in the devotee towards that devata is also given by me alone. Tam eva vidadhami aham. Who is giving you shraddha, perseverance and faith to pursue that particular rules to propitiate a particular deity? Who is giving you Shraddha? Krishna says, I gave you Shraddha. And with that Shraddha, you propitiate the deity, and whatever phalam, fruits you get from that deity, sataya shraddhaya yukta tasya 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 achalam shraddham dham. And whatever results you get from that deity, that also is given by me alone to that devata. That devata is how can the devata can have the special power unless I give the power? So whatever gifts you receive from that devata, actually they are given by me to that devata. So ek aur shraddha bada rahe hai, dusra aur phal bhi de rahe hai, itna indirect kyun unhi ko pakadna directly? लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, तान सर्वान मयैव विहितान. आई ओनली गेव देम ऑल द रूट्स फ्रूट्स दैट यू गेट फ्रॉम यू थिंक दैट दिस देवता गेव मी, दैट देवता गेव मी. अरे उस देवता के पास कैसे शक्ति मिल गई? मुझे दिए बिना, मेरे दिए बिना वो उनको कहाँ मिला? मेरे दिया हुआ ना वो तो. सो इट्स एन इल्यूजन अननेसेसरली we are running after
so many gods, leaving the supreme. That's why what a beautiful, what is that? I think Surdas or who wrote that? Janakinad jab sahay kare, nar tero kaun bigad kare nar tero. Janakinad sahay kare tab कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ. देन ही सेज मंगल गुरु भूत ऑल नवग्रह व्हाट विल दे डू व्हेन जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो. सो सेम थिंग. सो महादेवम त्वाम मनसि नमत्वा ए पशुपते विदाउट यू आर महादेव. नो देवों का देव है महादेव. बट आई डोंट कंसिडर यू एज महादेव. विदाउट कंसिडरिंग यू एज महादेव दीज पीपल आर रनिंग आफ्टर ऑल काइंड ऑफ डेमी गॉड्स. इट्स लाइक इल्यूजन रनिंग आफ्टर सिल्वर इन द शेल, वाटर इन द डेजर्ट, मिल्क इन द पाउडर मिक्सड वाटर एंड ऑल्सो वॉट देन वॉट सीइंग जम्स इन ग्लास पीसेस. As stupid as this. Therefore, Shankaracharya says, surrender. Surrender. Because all these gods are not independent, no? They have their power only given by Ishvara. It doesn't mean you should disrespect all the gods. Respect them for their roles that they are playing in the universe. But we invoke directly Him alone. We respect everybody. Parshad bolta parshad mane all the ganas around. Shiva parshad, Ganesh parshad. We respect everybody. We go to temple for Bhagwan, to see Bhagwan. We respect Pujari. We respect Pujari. He is doing his puja to God. That's fine, good. But I came to temple to invoke him, not to see Pujari. I go to temple to see Bhagwan. Pujari darshan dete. I respect him. But I turn to my attention towards Lord. Beautiful, no? Now, नाइन्थ वर्स गभीरे कासारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्धं जडमति ही समर्प्यै क्यं चेतस सरसिजममानाद भवते सरसिजममानाथ भवते सुकेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो. गभीरे कासारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्धं जडमतिः समर्प्यैकं चेत सरसिजममानाद भवते जन इह न जानाति किमहो. एंड दिस वे द kind of struggles we go through to worship Lord. Shankaracharya says, why you need to go through all kinds of hardships to worship Lord? Think. Why? Gabhire janaha jadamatihi. Jadamati means human being without any intelligence, ignorant man. वो क्या करता है कुसुमार्धम
फूलों के लिए, भगवान की पूजा के लिए फूल चाहिए उसको, उस फूल के तलाश में. हैव यू सीन मॉर्निंग मॉर्निंग सो मेनी पीपल गो ऑन टू द रोड्स, ये फूल तोड़ना, वो फूल तोड़ना. हमारे घर में नहीं तो बगल घर में बाहर जो होता है ना झुका हुआ होता है रोड पे, वो तोड़ना, ये तोड़ना, अरे वो फूल मिला, वो फूल नहीं मिला. बड़े प्रयास करते रहते हैं, वहाँ झगड़ा भी करते रहते हैं, वहाँ पूरा आपके घर का थोड़ी थोड़ा मैंने बाहर जो आया था हूँ थोड़ा है, तो घर वाला को बोलते हमको थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा झगड़ा कर करके कर करके वापस ले आते घर पे भगवान की पूजा के लिए. बताओ जड़मति ही ये मूर्ख जन फूल के लिए कुसुमार्धम कहाँ कहाँ जा रहे हैं देखिए. गभीरे कासारे और वो अंदर को फूल खिला है नदी में या तालाब में, उसको तोड़ने के लिए चले अंदर से कासारे गभीरे अंदर चला गया. तैरते तैरते पानी में गीले गीले होते हुए उस लोटस को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पानी के अंदर हाँ पूरा वो जा रहे पर क्लियर. अरे वो पुल ले जाओ 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 अंदर यहाँ तक आ गया पानी, खंड तक आ गया, मरने वाले नाक तक भी आ गया फूल तोड़ने के लिए. गभीरे कासारे चलो चलो घूमो 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 क्या किसके लिए, फूल के लिए. गभीरे कासारे देन व्हाट विशति, विशति माने प्रवेश कर रहे हैं, इज एंटरिंग इनटू देम. गभीरे कासारे विशति. नेक्स्ट वन व्हाट विजने घोर विपिने एंड भयंकर घोरारण्य में घूमता है, फॉरेस्ट में. विजने माने देयर इज नोबडी इन द फॉरेस्ट, दिस फेलो इज रोमिंग अराउंड. जो गणपति में ना एक एक किस तरह के फूल चाहिए होता है, एक किस तरह के पत्ते होता है चाहिए होता है, उस पत्ते के बेचारे मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो मिले ठीक है, बट नो ये सर्च तलाश में फूल की तलाश में कहाँ गए, ये एंटरिंग इन टू डीप जंगल्स. Nobody is there. All animals only staring at him. Why this fellow has come? Vijane ghora vipine. Mane efforts. Bhagavan, why don't you simplify your worship? That's what he is going to tell. Humne aise na, we want that complicated worship. वी कॉन्ट बी सिंपल इट है वर्शिप में भी वी आर नॉट सिंपल. घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति और ही वांडर्स ऑन वैस्ट माउंटेन्स फॉर वॉट टू गेट फ्लावर्स. कुसुमार्धम जडमति ही भ्रमति ई वांडर्स कुसुमार्थम, कुसुम मीन्स फूल फल फूल फूल, फॉर द सेक ऑफ फ्लावर्स this useless fellow, this मूर्ख unintelligent fellow wanders. कभी कभी नदियों में, कभी कभी पहाड़ों में, कभी कभी जंगलों में, कभी कभी बाजू वाले घरों में. जब बाजू वाले घर नहीं है ताला लगाए, ताला लगाए तो छलांग मारा. कब आएंगे 15 दिन बढ़िया फुल रोज खोल कर तोड़ सकते हैं, नो बडी विल कैच अस. पूरा ले लो ले लो ले लो ले लो. भगवान के शंकराचार्य जी से समर्प्य एकम चेतस चेतसी सरसिज दैट लोटस विच इज इन द हार्ट, हार्ट लोटस बस हैविंग ब्यूटिफुली समर्पण सरेंडरिंग ऑफरिंग द लोटस फ्लावर ऑफ योर हार्ट एट योर फीट. And why can't they keep happily sukhena avastatum janayana janati, offering your own heart lotus at your feet, their lotus of your their heart at your feet, they don't know how to remain in peace offering their own hearts at your lotus feet. Chetasi mane mind, sarasija lotus, लोटस फ्लावर ऑफ योर ओन हार्ट इन अंतकरण अवस्थातम हैप्पी आराम से बैठो भैया. मन में जो पुष्प है मानसिक पुष्प हृदय कमल को भगवान को समर्पण करके
आराम से बैठने का कोई नहीं जानता है, तरीका ही नहीं जानते, अननेसेसरली यू स्ट्रगल। समर्प्य मनसी मन चेतसी सरसिज ए माम उमम उमानाथ सरसिजम उमानाथ ओ उमानाथ ओ पार्वतीपति भवते सुखे नवस्थातम जनह यह न जाने, दे डोंट नो हाउ टू रिमेन इन पीस। जस्ट ऑफर द लोटस ऑफ देयर ओन हार्ट एट योर फीट एंड रिमेन पीसफुल। पीपल डू नॉट नो दैट। एंड ऑफ नॉट ओनली फ्लावर्स, यू एक्सटेंड दिस थॉट टू एवरीथिंग। हाउ मच स्ट्रगल वी मेक टू वर्शिप हिम। थिंक एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज, सो मच ऑफ गिविंग टू द एक्सटर्नल वर्शिप। So actually, one meaning now I'll give you. Pushyati, you know. Pushyati means what? Nourishment. Pushpam, push is dhatu. Pushpam, pushpa, pushyati. So means what? To nourish. Flower, nourish. Means what? Flower means that which nourishes. Remember. Now, why flower is given importance? From the small, the flower only, it transforms into fruit. Is it not? Flower becomes slowly transforms into fruit. So flower is the intermediate stage. Right? That which transforms into fruit in future. So that actually represents what? Sometimes one's own prakriti, and that is offered at the feet of, as a cause of the fruit of what I wish. Flower is the cause of the fruit, is it not? So that is the fruit I'm offering, which is about to, therefore, you know, Pushpotsavam is done. Pushpotsavam is a very beautiful ceremony. And what is Pushpotsavam actually? Mantra Pushpam, Mantra Pushpam. Meaning what? All five indriyas are actually controlled by mantra, in chanting in the mantra, and offered to Lord Mantra Pushpam. So Pushpam is very important. So that signifies outer external worship of flowers. Right? So Bhagavan Shankaracharya says, why struggle to get these flowers when your own heart flower is available? आपके हृदय कमल, हृदय पुष्प उपलब्ध है, उसी को भगवान को समर्पण करो। Meaning what? Wherever you are, you don't have to struggle for anything. Offer your heart every day to Lord, to Guru. Here is, O Master, here is my heart. I am offering it to you. And heart offering means what? In the heart, all kinds of vasanas are there. All kinds of vasanas are there. All kinds of my karmas are there. I can no more bear. You only take it. I am offering my heart at the feet of Master, at the feet of the Lord. So Shankaracharya says in this, somewhere he says, I cannot control my mind now. I have tried and failed. I am giving it to you. आपको जो करना है कर लो, आप ही उसको सुधार के वापस देना मुझे। आई ट्राइड मैक्सिमम, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू। आई कांट कंट्रोल द माइंड।
आई एम ऑफरिंग इट टू यू, उसको रिपेयर करके वापस दे देना। मैं बहुत कोशिश किया हूँ जन्म जन्म से, मेरे साथ हुआ नहीं, दे दो ले लो। दीज वासनास आर नॉट एंडिंग, अगेन एंड अगेन दीज वृत्तिस कम, द पैटर्न्स राइज, सेम पैटर्न्स राइज, आई एम फेड अप विद देम, यू ओनली टेक केयर। थिंक दिस वेरी ब्यूटिफुल टेक्स्ट रिटन बाय आदिशंकर, वी हैव टू स्टडी इट ऑल्सो। निर्गुण मानस पूज, नॉट शिव मानस पूज, निर्गुण मानस पूज, वेरी पावरफुल, वेरी डीप इट इज, फुल वेदांतिक थॉट्स, निर्गुण मानस पूज। ओके, नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता, पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम्। सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी, विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा, नरत्वं देवत्वं नगमृगत्वं मशकता, पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम्। सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी, विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा। नौ शंकराचार्य सेज, बाय वेर एवर यू वांट मी टू टेक बर्थ, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, I will not insist you that you should put me here, put me there. I will not insist. आपको मुझे जहाँ भेजना है, जिस योनि में भेजना है, भेज दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी इच्छा, आप मालिक है। तो कहते नरत्वम, कभी कभी मनुष्य जन्म दे दो, देगा, या नहीं तो देवत्वम, आइदर एज ह्यूमन बीइंग और एज ए गॉड, यू मे बी टेक, यू मे मेक मी टेक बर्थ इन अदर लोकास, यक्ष केन्द्र किम पुरुष गंधर्व, सम लोकास, सम गॉड्स, डेमी गॉड्स एंड गॉड, यू मे मेक मी एज ए डेमी गॉड और ए गॉड, टेक मी बर्थ देर दैट योनिस। नग, नग मीन्स पहाड़, यू मे टेक मेक मी बर्थ द पहाड़, लोग बिकम स्थाणु, बिकम पहाड़ एंड बी देर नग, अदरवाइज वन, यू मे आस्क मी टू बिकम ए फॉरेस्ट और इट्स कपल ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वन, देन वॉट मृगत्वम, मृगत्व मीन्स एनी मृगम, एनी डियर और एनी एनिमल, और मशकता, मस्किटो, यू मे मे टेक मी बर्थ एज मस्किटो, मस्किटो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कीटत्वम माने स्मॉल इंसेक्ट, भवतो विहगत्वादि जननम, और यार यू मेक मी एज ए पक्षी, बर्ड आदि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वेर एवर यू वॉन्ट मी टू टेक बर्थ, इन विच एवर योनि यू सेंड मी, जननम बर्थ, लेट इट बी, भवतु लेट इट बी, आई डोंट डिमैंड ह्यूमन लाइफ अगेन।
मुझे जहाँ भेजना है आप मुझे भेज दीजिए। हिम्मत वाला है कि ना स्टेटमेंट? आप क्या बोलते हैं? मनुष्य जन्म ही देना है, भारत में ही जन्म लेना है, नोएडा में ही जन्म लेना है, सेक्टर 37 में ही लेना है जन्म, 37 में ही चिन्नाविश में रहना है, ये सब चलता नहीं। पता नहीं कहाँ देगा। इसी संस्कृत में जन्म ऐसे है। अरे बताओ, आप मरने के बाद हाउ डूड यू नो नेक्स्ट लाइफ? सपोज यू आर बॉर्न एज ए मस्किटो, डू यू नो दैट इन प्रीवियस लाइफ आई वॉज ए चिन्मय मिशन मेंबर इन सेक्टर 37 नोएडा, एंड वहाँ पर रोज जाती थी, यू एंजॉय बींग ए मस्किटो। यू एंजॉय बींग मस्किटो, सकिंग अदर्स ब्लड कॉम्पिटिशन, देन यू हैव मीटिंग, मस्किटोज मीटिंग इवनिंग होता है, वो मुझे मारने वाला था, मैं बच के आ गया हूँ। कैसे आ गया? दोनों उंगलियों के बीच में बच गया। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। बाकी मछलियाँ, मक्खियाँ, बाकी मस्किटोज तारीफ करते आप, मच्छर वेरी गुड, बच के आ गया, बच के आ गया। दे हैव देयर ओन मीटिंग्स। और एंट और एनिमल, वो नोज भगवान शंकर, जहाँ मुझे भेजना है भेजो भाई, भवतु, लेट इट बी। बट मेरे क्या है, सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्तं चेत हृदयम यह किम तेन वपुषा। यदि इन माई हार्ट इफ आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग टू डिराइव द जॉय ऑफ कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग यू and reveling my mind in the joy of constantly remembering you, and if I am attached or if I am desirous of that constant remembrance of you, and my heart is drawn towards that constant remembrance, how does it matter where you send me? How does it matter? If my heart is constantly longing you and deriving the joy of remembrance, tat padabja, lotus feet, smarana, remembering the lotus feet of yours, and the paramananda lahari, and the joy, the waves of ananda bliss that I experience, asaktam chet, if my mind and buddhi is drawn towards that kind of feeling or experience, my heart is like that, kim ho tena vapusha, how does it matter what kind of janma you give me? Jahan mujhe aap bhejna hai, bhej dijiye, mere koi problem nahi. So if my mind is drawn towards the bliss of constantly remembering your lotus feet, my heart is drawn towards that, how does it matter? आपको मालूम है ना श्री काल हस्ती स्टोरी? श्री पुराण में आता है, काल एंड हस्ती, श्री मीन्स स्पाइडर, श्री काल हस्ती इज ए पुण्यक्षेत्र इन आंध्र, वेरी पावरफुल पुराण में इसकी कहानी है, श्री काल हस्ती तिरुपति के पास है। The story is a Shivalinga. Bhagavan Shankaracharya also explains this in one of the slokas. That is worshipped by Sri Kala and Hasti. Sri means spider. Kala means snake. Hasti means elephant. So they used to worship Lord Shiva there. Spider, snake and elephant. And kuch kahani hai pura. All the three worship and all the three got moksha. So first snake used to put flowers, bring, and elephant come, what nonsense, somebody made kachra kachra, either
उसको पानी लेके भू करके पानी अभिषेक करता था. बुद्ध समबडी टू सी द स्नेक यू नो हु इज दैट डिस्टर्बिंग माई फ्लावर्स आर बींग रिमूव्ड देन ही गॉट एंग्री एंड ऑल दैट वुड हैपन. अल्टीमेटली तीनों को मुक्ति मिल गई. थ्री वर्षिप देम एंड लेटर ऑन कन्नप्पा ग्रेट डिवोटी भक्त कन्नप्पा ही वॉज सच ए हंटर ही वॉज दट स्टोरी विल कम आई मीन अबाउट कन्नप्पा भगवान शंकराचार्य मेंशन्स इन दिस वन श्लोक दट वील स्टडी एट दैट टाइम बट ही वॉज सच ए ग्रेट डिवोटी वेरी वेरी ट्राइबल टाइप ऑफ डिवोशन ही हैड टुवर्ड्स लॉर्ड शिव प्रिमेटिव But Shiva enjoyed his devotion. My heart is there, no? Heart is required. So Shankaracharya says, how does it matter? Jahan aap bhejna mujhe, bhej dijiye. But see that my heart is always drawn towards the worship of your feet and derive the great bliss. So, Let my heart be drawn towards the bliss that is born out of constant remembrance of your lotus feet. So if my heart is drawn towards the bliss of constant remembrance of your lotus feet, how does it matter whether I am born as a mosquito or as an animal or as a deva, as a nara or as a pahad? Or as a jungle, how does it matter to me? It doesn't matter. That's the thing. How do you know some animals are, you know, the animal, you know, they may not talk, but they may be remembering some of them, their past lives. They may constantly, silently remembering the God. Who knows? Can you say? यू कैनॉट से इट. एक महात्मा जी के पास बैठे थे हम उनके आश्रम के. चार पांच डॉग्स यूज टू कम अवधूत इज अवधूत सो टोल्ड. ये तो महापंडित थे पिछले जन्म पंडित. अब इधर आश्रम के पास घूम रहे हैं. पंडित है ये पंडित ये महायोगी थे वो ये पंडित थे पिछले जन्म में. कुछ कारण जन्म हुआ But that life he is constantly wandering around ashramas, eating some thrown prasad. Maybe he is remembering, who knows, you cannot say no. Whether he is a evolving soul or a man or woman, a human being went back temporarily to experience some kind of karmic exhaust, some karma pala in that yoni, how can you say? You cannot say it. So that's why some animals, people say, they're always sitting in puja room, quietly getting, sitting. Some behavior is something different. They say, Swamiji, ye toh sadhak hai, sadhu hai. Who knows? So in any yoni comes, but we should remember the Lord. That's enough. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Satgurunath Maharaj Ki Jai.